पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हिस्से में तालिबानी हुक्मरान महिलाओं पर सितम ढा रहे हैं और बंदिशें लगाई जा रही है। वहीं भारत के भागलपुर में मुस्लिम लड़कियां आधुनिकता और चकाचौंध में कदम ताल करती दिख रही हैं। बिहार के भागलपुर में मुस्लिम लड़कियां रैंप पर कैटवॉक कर एक मिसाल पेश कर रही हैं। इस पहल की लोग खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। पेश है भागलपुर से अजय कुमार की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये दृश्य किसी महानगर का नहीं जहां लड़कियां रैंप पर जलवे बिखेर रही है, बल्कि भागलपुर के एक होटल में यस मॉडल ने मुस्लिम लड़कियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया है, जहां ये लड़कियां रैंप पर कैटवॉक कर दुनिया के साथ कदम ताल कर एक मिसाल पेश कर रही है। लड़कियां रैंप पर कैटवॉक कर आत्मविश्वास से लबरेज दिखी और शायद इन्हें भी मॉडलिंग में अपना विश्वास नजर आने लगा है। सपना होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ करे, अपने करियर को लेके आगे बढ़े, बट एज बिकॉज कि वो सिटी जहाँ पे वो रहती है उनको वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आई हूँ। आई वांट टू प्रूव माय सेल्फ विथ माय इम्प्रूवमेंट। आई एम तमन्ना शेख, मैं कटिहार से आई हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ हर मुस्लिम लड़की, एक्चुअली हर हिंदू लोग जो होते हैं वो लोग तो आ जाते हैं, बट मुस्लिम लोग को नहीं आने मिलता है। शॉर्ट पहनना पड़ेगा, ये पहनना पड़ेगा, वो फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग आए और देखे ये बहुत अच्छा है और सब कोई पार्टिसिपेट करो, बहुत आगे बढ़े। तो मैं हूँ निकी खान और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। आज मैं यहाँ पे आई हूँ यश मॉडल्स के यहाँ, ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा यहाँ भागलपुर में लोगों को निकलने नहीं दिया था, खासकर लड़कियों को इस फील्ड में, बट यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। आयोजक भी इस आयोजन को लेकर खासा उत्साहित नजर आए। यह लड़कियों के व्यक्तिगत विकास को लेकर उठाया गया कदम बताया जा रहा है। लोगों की सोच बदल रही है, अब मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो भी कैटवॉक कर रही हैं, उसका परिवार उसका साथ दे रहा है, समाज साथ दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए ये लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। उत्साहित हूँ बिकॉज ये हमारा 60वां ऑडिशन है ऑल इंडिया बेस। ओके, हम लोगों ने बिहार में 4-5 जगह हमारा ऑडिशन होना है जिसमें ये तीसरा शहर है, तो हमारा मकसद था टैलेंट निकालना, हमारा मकसद था हर कम्युनिटी से लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, हर रेस से लोग आए, हमारे पास सब लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं, तो हमारा मकसद जो हमने सोचा था वो हमें मिल रहा है। कहते हैं उड़ने के लिए पंख की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है, शायद इन्हीं हौसलों के साथ ये लड़कियां रैंप पर उतरी हैं। निश्चित तौर पर ये उनके लिए सबक है जो लड़कियों को पर्दानशी रखना चाहते हैं।